नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे में आज दूसरे दिन भ्रमण के बाद से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आए हुए लोगों से जनता दर्शन में सभी फरियादियों की एक एक कर समस्याओं को सुनी है और संबंधित अधिकारियों को इस मामले को लेकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। वही जनता दर्शन में महिलाओं के साथ आए हुए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्यार दुलार कर उन्हें हाथों में चॉकलेट भी दिए हैं। और यह तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्या को सुना, अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए हैं। और यह तस्वीर जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचे थे, लोगों की एक एक कर फरियाद उन्होंने सुनी है और समस्या के जल्द से जल्द निस्तारण कर निर्देश देते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद में 800 जोड़ों का सामूहिक विवाह जिला प्रशासन के द्वारा संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी है और मुजफ्फरनगर के नुमाइश पंडाल में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विभिन्न धर्म जात बिरादरी के 800 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया है। इस दौरान जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने पहुंचकर इन नवविवाहित जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं दी है, वहीं पर जिला प्रशासन द्वारा इन 800 जोड़ों को 35,000 रुपए और जीवन की नई शुरुआत के लिए दुल्हा दुल्हन के कपड़े 51 बर्तनों का एक डिनर सेट और साथ ही एक कुकर और प्रेस और दुल्हन को एक चांदी का पायल बिछिया भी दी गई है। आपको बता दें कि इन सभी को 846 जोड़ों को 4,31,46,000 रुपए वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए शासन द्वारा भेंट किए गए हैं। कार्यक्रम किया गया है जिसमें 300 मुस्लिम भी है, तो क्या लगता है कि वोट बैंक बढ़ेगा? अब जब 300 का कन्यादान हम कर रहे हैं तो वोट किसे देंगे? हम ही देंगे भाई, क्या दिक्कत है? ये लोग करीब 800 जोड़ी लेके आए, आने वाले दिनों में और इसको अच्छा और करेंगे। अब खबर गोंडा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जब गोंडा अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो जाती है। इस दौरान तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे डंपर से टकरा गई है, जिसमें 44 वर्षीय रणजीत और साथ ही 35 वर्षीय गोविंद सिंह की मौत हो गई है। वही मौत से गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई के नुमाइश मेला मैदान में रामलीला आयोजित की गई है। आपको बता दें कि हरदोई का लगभग 100 साल से ज्यादा का ऐतिहासिक नुमाइश मेला है। रामलीला में इसाफ अली के बनाए गए रावण को भगवान राम ने अपने तीर से दहन किया था। इस मौके पर सदर सांसद जयप्रकाश रावत भी मौजूद रहे हैं और इस दौरान ये तस्वीर रामलीला मैदान की, जहां पर अद्भुत ये तस्वीर सामने आई है और किस तरीके से रावण का दहन किया गया था, और इन सब चीज़ों को ये तस्वीर साझा करती हुई नजर आ रही है। ये हरदोई नगर के लिए ही नहीं, पूरे हरदोई जिले के लिए एक सौगात है। इस नुमाइश मेले में जो लगभग एक महीने तक चलता है, जिससे पूरा हरदोई के लोग, हरदोई जिले के आसपास के लोग इस मेले का आनंद उठाते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सब लोग यहां पर आकर के बहुत अच्छा अपने को महसूस करते हैं और जो रामलीला का कार्यक्रम होता है उससे कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाते हैं। अब खबर अमेठी से, आपको बता दें जहां पर डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है और ये सनसनीखेज मामला आने के बाद से पूरे गांव में दहशत का एक माहौल देखने को मिल रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से अमेठी इस दौरान कांपती हुई नजर आई है और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अमेठी में कार्रवाई प्रशासन करती हुई नजर आई। उसके बाद से अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भदौर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डबल मर्डर का ये पूरा मामला सामने आया था और गोलियों की तरतराहट से ये
डबल मर्डर हुआ था और इसके बाद से प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आगरा थाना मटौला में आपसी विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। आगरा के ट्वीला नदराम रेलवे ट्रैक में किनारे सोमवार शाम को जुआ खेल रहे युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आबिद नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। आबिद निवासी मटौला का कोई बता दें कि कई चाकू से हमला करने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद से वे गंभीर हालत में उन्हें SN भर्ती कराया गया है। दिनांक 27/2/2023 को शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली, काजीपाड़ा रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति को लहूलुहान किया गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति का नाम था आबिद पुत्र कर मेरा नाम है मोहम्मद बाबर। अच्छा, बाबा चौधरी कहते हैं। आपके बेटे के संग आज क्या हुआ? अचानक जब वो घर से गया तो उसको रास्ते में उन्होंने रोक लिया। कितने लेन पे? कोई 12 बजे का टाइम होगा जब घर से गया। अब वो किस टाइम वहाँ पे पहुँचा, हमारे घर से निकला वो स्वामी जी मालूम नहीं। पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र के लुकटीहाई डांडा टांडा गांव में कूड़े के विवाद को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए हैं। वहीं बीच सड़क पर दोनों पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आए हैं और जमकर लात घूस एक दूसरे को मारते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आपस में दोनों पक्ष ये भिड़ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के कोतवाली अतरौली क्षेत्र के रामघाट रोड पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि बाइक और मैक्स के बीच आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है और पीछे बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बिजनौर के पैदा गांव में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई है। अचानक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से इस दौरान कई युवक घायल भी हुए हैं, जिनके उपचार के लिए दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अचानक ट्रेन की चपेट में आने से युवक पहले घायल हो जाता है, उसके बाद से जब वो अस्पताल लाया जाता है तो युवक की मौत हो जाती है। इसके बाद से प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। बहराइच के ब्लॉक तेजवारपुर में ग्राम दुलमह में एक 46 वर्ष के बुजुर्ग विधवा साथी बता दें कि महिला शांति देवी मिश्र अभाव का जीवन यापन कर रही है। और साथी बता दें कि शांति देवी ने बताया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार अधिकारियों के दर के चक्कर काटने पड़े हैं, लेकिन उनका नाम आवास से काट दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि वे खुद और इस दौरान ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वह अपने जीवन यापन करने को मजबूर है। और साथ ही बता दें कि लगातार वे प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग करते हुए नजर आ रही है। शांति, कहाँ की रहने वाली है? दुलमा। क्या समस्या है? हमको आवास नहीं मिलता, हमने जाते हैं अधिकारियों के पास गई गई तो वो कागज उनको दे आए थे, वो कहा था कि पाएंगे हमसे पैसे के कहते हैं, तो पैसे हमारे पास हैं नहीं, हम मुर्दार हैं तो हमको हम कैसे दे दें? कमाने वाला हमारा मन ही मर गया है, नहीं हम ही हैं। हाँ जी, क्या करती हैं? कहीं जाते हैं, किसी के जो है घास या निकालते हैं या पनाते हैं या कहीं जाते हैं जो है गन्ना छील, मेहनत मजदूरी करती हैं।
कटाई बडली के डुई थाना क्षेत्र में हाजीपुर के मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आलू खोदने के दौरान मारपीट की यह घटना सामने आई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रायबरेली के बांदा बहराइच हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब बछरावा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे खाई में गिर पलट गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बांदा बहराइच हाईवे के निकट शिवगढ़ नगर पंचायत कार्यालय के पास का है, जहाँ पर बछरावा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से तोड़ते हुए सड़क किनारे खाई पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर में दबे ड्राइवर और क्लीनर को सकुशल बाहर निकाल लिया है। वहीं डंपर में फंसकर विद्युत तार भी टूट गई है और कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे विद्युत उपकेंद्र शिवगढ़ के अवर अभियंता रवि गौतम ने मौके पर जायजा लिया है और जल्द ही विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात कहते नजर आए हैं। क्या हुई है यहाँ पर? ये बछरावा की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, गांव किनारे जब लड़खड़ाया तो लोगों ने समझा कि क्यों लड़खड़ा रहा, जबकि कोई साधन नहीं था, और लड़खड़ा करके बस अनियंत्रित हो गया और खाई के नीचे चला गया। कोई हताहत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों ने जब इकट्ठा होकर के देखा उसको तो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भयंकर नशे में थे। किस गांव के पास हुआ है? भवानीगढ़। पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई और दोनों लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया, गाड़ी मौके पर। पोल क्षतिग्रस्त हुआ, क्या है पूरा मामला? एक पोल आ रहा था बछरावा तरफ से, जो कि भवानीगढ़ चौराहे ब्लॉक के सामने अनियंत्रित होके वो पोल तोड़ दिया, जिससे हमारी 8 पोल की लाइनें टूट गई और लगभग 300 मीटर का तार एचटी लाइन और 250 मीटर की एलटी लाइन टूट गई। झांसी से अब खबर आपको बता दें, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक लापता युवती ने पहले अपना वीडियो बनाकर वायरल किया, उसके बाद से लगातार उसकी छानबीन की जा रही है। और बता दें कि इस युवती की उम्र सिर्फ 21 वर्ष है, युवती अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है कि युवती कहाँ पर है। परिवारजन लगातार युवती को खोजने की प्रयास में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर इस मामले को लेकर युवती के परिजन ने एक परिवार वालों पर हत्या कर युवती के नहर में फेंकने का आरोप भी लगाया है। पुलिस अफसरों की शरण ली गई है और साथ ही बता दें कि एसएसपी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है और योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। योगेंद्र, क्या मामला है? ये हमारी बहन नहीं मिल रही सर, उसका कोई 6 दिन से कोई पता नहीं है और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। जहाँ भी जाते हैं रक्षा थाने वाले कहते हैं प्रेमनगर जाइए, प्रेमनगर वाले बोलते हैं रक्षा जाइए, और हमारी और प्रेमनगर में तो बदतमीजी भी हुई, और यहाँ पे न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग तहरीरी देने हैं। क्या नाम है? हमारा उर्मिला नाम है। उर्मिला जी बताइए पूरा मामला क्या है? उसमें ये है कि लड़के वाले ने, लड़का है एक, वो उसने बुला लिया प्यार के दायरे में, जबरदस्ती ऐसे लेके गया, मोड़ी को जबरदस्ती मारपीट भी करी लड़की की, सुन रहे हैं के मोड़ी की मारपीट करी है, तो वो मोड़ी ने उन्हें जबरदस्ती से उन्हें पता नहीं क्या क्या लिखवाया गए लड़की के साथ, और बस उसने घर में बैठ के उनकी बहन ने सबने मारपीट कर। 24 फरवरी से 33वीं वाहिनी पीएससी झांसी के तीरंदाजी मैदान में चल रही 10वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक अर्चरी प्रतियोगिता सेनानी के पी यादव की अगुवाई में और मुख्य अतिथि रामलाल वर्मा पुलिस महानिरीक्षक कानपुर की उपस्थिति में समापन हुई है, जिसमें 50 महिला प्रतिभागी सहित कुल 211 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और इस दौरान बता दें कि सर्वप्रथम सेनानी द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर उन्हें स्वागत करते हुए नजर आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयदीप कुशवाहा है। कहाँ से हो? मैं वैसे तो पोस्टिंग मेरी 4th BNPSC प्रयागराज है, रहने वाला झांसी का हूँ। अभी जो प्रतियोगिता चल रही थी, इसमें कौन सा स्थान आपके चीज में प्रथम? हमारा प्रथम स्थान 50 मीटर पर रहा है, 30 मीटर पर थर्ड रैंक रही है। ऑल ओवर मेरा बेस्ट आर्चर रहा हूँ यहाँ यूपी पुलिस में। इसके पहले तीरंदाजी में क्या आपकी उपलब्धता रही? इसके पहले मैं अभी नवंबर दिसंबर में मेरा ऑल इंडिया में 2nd रैंक रही है, इसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर रहे हैं मेरे,
और उसके उपरांत मेरा वो नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ है और वर्ल्ड पुलिस के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। क्या आयोजन था, कितने टीमों में भाग लिया और विजेता कौन था? 10वीं उत्तर प्रदेश की तीरंदाजी प्रतियोगिता हमारे ग्राउंड झांसी में संपन्न हुई, आज उसका समापन था। आईजी श्री आरएल वर्मा साहब, कानपुर अनुभाग द्वारा ये समापन किया गया, सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। चुरगांव थाना अंतर्गत ग्राम रामनगर बेतवा नदी के घाट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर गांव के ग्रामीणों के द्वारा चुरगांव पुलिस को सूचना दी गई कि नदी के घाट के पास एक अर्धनग अवस्था में एक शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही चुरगांव इंस्पेक्टर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इस दौरान शव को बरामद कर लिया गया है और इस दौरान उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला कसाई मंडी में एक युवक की हत्या की सनसनीखेज मामला सामने आया है। समीर कुरेशी का शव उनके ही मोहल्ले में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। वहीं परिजनों का रो-रो को बुरा हाल है। परिजन लगातार नामजद लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच तफ्तीश में जुटी हुई है। आपके भतीजे के साथ? मेरा नाम नसीबुद्दीन बाबा कुरेशी है और मैं घर पे सो रहा था, बहुत गर्मी में एसी के ही चलाया, कहते भाई तुम्हारे भतीजे का मटर हो गया तो हम तुरंत एसी भगे, लोवर मोड़ पहन के, यहाँ सूचना मिली कि भाई मटर कर दिया, तो हम तुरंत कोतवाली भागे। कोतवाली से पुलिस आई? कोतवाली से पुलिस आई। तो क्या है आपका, किसने किया, क्या है आरोप? आज से करीबन 20 दिन पहले इनका एक विवाद हुआ था, मौसम वो तुम्हारे चेतन और कोई पांडिया कहते इराड़े पे रहता गोलू, तो जिसकी सूचना देकर पनवी करवाइया था उनको, हम लोगों ने और उन लोगों ने धमकी दी तेरे मटर कर देंगे, और जब मौसम भी था इतने जब से छूटा है वो शरीर आ रहा है मटर का जब से रहते आज तक इतनी गुंडागिरी कर रहे, इतनी बदमाशी कर रहे, सुबह ही देकर लोगों के पीछे पड़ा है। यूपी के बलरामपुर जिले के सदर विधायक पलटू राम, जिन्हें योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में सैनिक कल्याण और होमगार्ड राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, उन पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम कर रहे अनिल श्रीवास्तव ने विधायक पलटू राम और साथ ही जिलाध्यक्ष प्रतीप सिंह पर सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मदद करने और उनकी सीज की गई संपत्ति को रिलीज करने की मदद करने की आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अनिल श्रीवास्तव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गई आरोपों से भरी चिट्ठी के वायरल होने के बाद से अनिल श्रीवास्तव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अनिल जी, एक अनिल श्रीवास्तव थे जो आपकी पार्टी में थे, निष्कासन हुआ है, उन्होंने आप पे और सदर विधायक के ऊपर एक आरोप लगाया है संगीन की, आप लोगों ने आरिफ अनवर हाशमी की अंदर ही अंदर मदद करके उनको उनकी संपत्ति रिलीज कराई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ही ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि अनिल श्रीवास्तव के बारे में पूरा जनपद जानता है कि कैसे व्यक्त है। अध्यक्ष जी, मैंने क्या अनुशासनहीनता किया है, आप जरा मुझे, आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको पार्टी से किसी को निकालना है तो आप पहले उसको पत्र जारी कर करके उससे कोई स्पष्टीकरण मांगते, कोई नोटिस जारी करते, तब आपको निकालने का कोई वो होता। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।